बहन राजा नटवर भैया तो बजनदार ही बहर गाऊंगा, फिर उसके बाद क्या होगा आगे ये भविष्य में कोई नहीं जानता है। हाँ साहब लगाओ साहब। जितनी ताकत लगा ली हो अपनी में लगाइयो, मैं घड़ी को जान कहना हरे क्लानी कल देखो के तो कर जाओगे, कल देखो के तो कर जाओगे, कल देखो के तो कर जाओगे। तड़प तड़प गई मर जाओगे।
की सत्ता सुन जा और सब ज्ञान माला में उलझा सब ज्ञान इसीलिए समस्या का होगा हल यार बड़ी प्रबल है चाचा और हर पल छल में तल में बल है इसीलिए जीपी करण बलदार कहना जीपी करण बलदार पर बल नहीं हुआ एक बहर हुई और अभी 15 मिनट बाकी है मेरी तो एक चीज रखवा रहा हूं आपके मनोरंजन की उसके बाद हमारे विपखाड़ी वाले आएंगे लगाओ माता साहब अरे अरे मेरी जान है राधा बना दो ना ढोलक का बेस बना दो हाँ साहब लगाओ साहब टाइम खराब होगा सुन भैया अरे रे मेरी जान है राधा अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा कहना सकूंगा अब के साल गऊ बड़ी जोर की चली है हाँ सर मैं चाय पलंग ले जाना सालक बड़ी जोर की चली है अपनी सुहाग रात की बात बता रही है सुहाग रात मना के सुबह शौच के लिए जाती है तो संघ की सहेली पूछी रहते हैं तेरी क्या भाई हाँ सर नसिया वाले सभी गाते हैं लेकिन कोई तो कहते हो करबसी कूटी है कोई कहते हो किच्ची खुद छूटी है लेकिन भीकम पंडित जी आप इसमें भी शब्दों का देखेंगे किस प्रकार से आदान प्रदान किया गया है देखेंगे आप लोग समझ आए थे मेरे संग में का भयो सुहाग रात मैं बता दूं कहना ये पायलों ने सुर किया बोल बोल के अरे पायलों ने सुर किया बोल बोल झुमकी बिलबिलाई कान डोल डोल के अरे पायलों ने सुर किया बोल बोल के अरे झुमकी बिलबिलाई
टूटे चोरी बच्चे के आपकी चूड़ी लटकी बोली हर लटक लटकी दोस्तों इसमें भी एक शब्दों का एक फिर देखेंगे तो वाली बात हाथ की चूड़ी चटकी खुली हर लट लट लटकी यानी लट लट खुल के नीचे पे लटकी और बंद बंद टूटे चोली बंद कहना कहना ये पायलों ने सुर किया बोल बोल के पायलों ने सुर किया बोल बोल के चुमकी बिलबिलाई काने बोल बोल के फड़फड़ाई लाली लाल ढोल की ओठ फड़फड़ाई लाली लाल ढोल की पिया ने पिया की दीदी जोड़ी खोल की पिया ने पिया की दीदी जोड़ी खोल की हाथी की चूड़ी चटकी बोली हर लट लट की बंद बंद चूके अरे बाजुओं में काजुओं की बात लिख ली के बाजुओं में काजुओं की बात लिख ली घबराई सी में तो हाथों हाथ निकली बाजुओं में काजुओं की बात निकली अरे रोते रोते गोने वाली रात निकली अरे घबराई सी बाहर हाथों हाथ निकली घबराई सी बाहर हाथों हाथ निकली अरे मेरी जान की दुश्मन वो बरसात निकली अरे मेरी जान की दुश्मन वो बरसात निकली भाई जब झटका पटकी भाई जब रखीना देखकर बटकी हाथ की चूड़ी चटकी बोली हर लट 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 की बंद बंद टूटे चोली हाथ की चूड़ी चटकी बोली हर लट 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 की बंद बंद टूटे चोली मेरी जान नट प्रधान ये समझाए के पीछे कहना प्रधान जी ये घूमट उठाया मेरा जब आने के खंड खंड कीने मेरे ईमान ये घूमट उठाया मेरा जब आने के अरे खंड खंड कीने मेरे ईमान के एक नाली बंदूक रख गई जब ताने के नाली बंदूक रखी थी जब तान के अरे चाल के बिलाले पड़ गए मेरी जान के चाल के बिलाले पड़ गए मेरी जान के जान में अटकी जिगर में अब तक खटकी हाथ की जे चूड़ी चटकी बोली हर लट लट लटकी बंद बंद चूड़ी चटकी खुली हर लट लट लटकी बंद बंद टूटे चोली बंद के और देखो लक्ष्मण खलीफा जी लास्ट बंद करवा रहा हूं देखेगा कहना लास्ट बंद में इस शेर की गोता पे भीगी बिल्ली आ गई दावा तो मेरी जान ने कर रही थे अरे शेर की गोता पे भीगी बिल्ली आ गई पिया के बल्ला पे मेरी बिल्ली आ गई शेर की गोता पे भीगी बिल्ली आ गई ताऊ जी अरे पिया के बल्ला पे मेरी बिल्ली आ गई याद अपने जीवन की पिछली आ गई याद अपने जीवन की पिछली आ गई के सामने छोटी दिल्ली आ गई।
हाँ भैया राबी जी, 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, देख 5 मिनट पहले छोड़। तुम्हारी जुगाड़े झेल लें तो 1 साल या कार हुए झेल लेंगे, कोई बात नहीं। छंद रखा इधर से, कह रहे थे कि मथुरा में तुम्हारे सीआईडी छंद सुन रहे होंगे, ये आप भी जानते हो कि ये विप्र अखाड़े वाले हैं, किसी का दंगल सुनने या किसी का छंद सुनने कभी नहीं आते, जैसा भी बुद्धि विवेक है जवाब देंगे, और जवाब ऐसा देंगे कि आज के बाद तुम इस अश्वमेघ को दोबारा कहीं नहीं गाओगे, ये हमारी गारंटी है। 4 बातें बता रहे थे कि मैं अश्वमेघ गा रहा हूं, लेकिन श्रीमान जी उसमें अश्वमेघ कौन सी है और अश्वमेघ कौन सी नहीं है, विद प्रमाण के विद लेख के आज यहां बता करके जाऊंगा कि उसमें सही क्या है और गलत क्या है, और ये फैसला आज जनता करेगी, जनता जिसके लिए फैसला कर देगी दोनों अखाड़ों को सर्वमान्य होगा। और कुछ भी कहने से पूर्व 2 शब्द अपने गुरु के लिए, और उसके बाद राधे राधे। एक वर्ष से देख रहा हूं मैं केवल एक ही दोहा, जहां भी सुन लो इस अखाड़े के मुंह से केवल यही मिलेगा तुम्हें शुरुआत में कि दौड़ रस्सियों का होता शुरू कर ले जा पे गौर, कोई एक नया दोहा तक नहीं। तो लीजिए यहां से मेरी बात प्रारंभ है। समय नोट करें, 12:40 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। अब यह धर्म ध्वजा दोहा के काफिले लाए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। अब यह धर्म ध्वजा और धारण किए
घरों में अश्वमेघ यज्ञ बताया आपने, भगवान राम ने घोड़ा छोड़ा, बिल्कुल सही है, अश्वमेघ यज्ञ था। एक अश्वमेघ यज्ञ बताया राजा सगर के पुत्र जिसमें भस्म हुए, बिल्कुल सही है, वो अश्वमेघ यज्ञ था। लेकिन जो धर्मराज ने किया वो महाभारत खोल करके देख लो, उसका नाम अश्वमेघ नहीं, उसका नाम राजसूय यज्ञ था, वो अश्वमेघ यज्ञ नहीं था। अगर तुम प्रमाण खोल करके दिखा दो कि वो अश्वमेघ यज्ञ था तो दंगल का फैसला यही हो जाएगा। अरे अश्वमेघ ना, अरे अश्वमेघ ना धर्म ने किया, और ये लेख से तत्व निचोड़ा है, और ये अर्क से कथन छोड़ा है, और राजसूई वो यज्ञ किया था, और मैंने तेरे लेख का भंडा फोड़ा है। सामान समेता घर का, सब सामान समेता घर का, सब सामान समेता जो सोया। भगवान कृष्ण ने घोड़ी क्यों छोड़ी, तो आइए उस कहानी पे चलते हैं। उसे श्राप दिया कि तुझे ताल का ध्यान नहीं, तू घोड़ी की तरह कूद रही है, इसीलिए श्राप दिया। वो बन गई घोड़ी और उसने नियम नृत्य का तोड़ा है, श्राप दिया नहीं खुला होगा, लेकिन विद प्रमाण के तुम्हारे छंद का जवाब हो रहा है। उस घोड़ी को बताया कि जब 3:30 वज्र एक जगह पर इकट्ठे होंगे तब तेरा उद्धार होगा। उसी घोड़ी को भगवान कृष्ण ने छोड़ा, और जब युद्ध हुआ राजा दंग के यहां पर भीम के द्वारा, तो वहां पर चक्र त्रिशूल और इंद्र का वज्र और एक गदा जो आधे में गिनी जाती है, 3:30 वज्र वहां पर इकट्ठे हुए, और तब उस घोड़ी का उद्धार होकर के वो द्वारा से उर्वशी बन करके गई। इसलिए उसका उद्धार करने के लिए वो कृष्ण भगवान ने घोड़ी छोड़ी थी, घोड़ा नहीं छोड़ा था। अरे साहब, अरे राज
जय कोड़ा वृंदावन तीन बच्चे जब हो इकट्ठे और जाए अखाड़ा गोड़ा है कया तीन बच्चे जब हो इकट्ठे और जाए अखाड़ा गोड़ा है और बादन बादन घोड़ी से जपने उर्वशी और ना परे कमर पे तोड़ा